दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सी अनूप भाटिया हाजिर हूं आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक और डिस्कशन लेकर के। आज के डिस्कशन में मैं आपसे इनकम टैक्स अपीलेट प्रोसीडिंग्स पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। अपीलेट प्रोसीडिंग मींस व्हाट? अपीलेट प्रोसीडिंग मींस जहां पर आपके अगेंस्ट में यानी असेसी के अगेंस्ट में एक असेसमेंट ऑर्डर बन गया है और असेसी उस असेसमेंट ऑर्डर से खुश नहीं है, यानी उसको आपत्ति है कि इस असेसमेंट ऑर्डर में कुछ खामियां रह गई हैं या मुझे प्रॉपर सुना नहीं गया है या मुझे कोई डिडक्शन गलत डिसअलाउ कर दिया गया, मेरी इनकम गलत टैक्स हो गई। इस प्रकार से कुछ मतभेद असेसी के ओपिनियन में डिपार्टमेंट के ओपिनियन से लाजमी हो सकते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं सर, कि आप कोई तथ्य रखना चाहते थे, वो तथ्य आप ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए, या आपने कोई तथ्य रखे लेकिन वो तथ्य स्वीकार नहीं किए गए, या आप किसी केस लॉ का सपोर्ट लेना चाहते थे, वो केस लॉ को डिपार्टमेंट ने माना नहीं। तो इस प्रकार जहां पर भी असेसी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच डिस्प्यूट है और एक असेसमेंट ऑर्डर ऑलरेडी पास हो गया है, तो असेसी के पास में एक रेमेडी है कि वो अपील में जाए। अपील में किधर जाए? तो चार स्टेज है सर इनकम टैक्स की अपील्स के। नंबर वन, सीआईटी अपील। नंबर टू, आईटीएटी यानी इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल। नंबर थ्री, हाई कोर्ट। एंड नंबर फोर, सुप्रीम कोर्ट। आप इन चार लेवल्स तक जाकर के अपील लड़ सकते हैं। और नेचुरली जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट लास्ट में बोला, वो अंतिम स्टेज है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में और कोई अपीलेट लेवल नहीं बचेगा। हम पहला फोकस सीआईटी अपील लेवल पर करते हैं अपने डिस्कशन में। ज्यादातर अपील की शुरुआत यहीं से होती है। तो एक असेसिंग ऑफिसर ने मेरे किसी क्लाइंट के विरुद्ध एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया और मेरे क्लाइंट को उस ऑर्डर पर आपत्ति है, तो मैं उस क्लाइंट की ओर से एक सीआईटी अपील में अपील लगाऊंगा। यह अपील आज की डेट में ऑनलाइन आपके इनकम टैक्स लॉगिन से ही लगाई जाती है, जिसे हम फॉर्म 35 कहते हैं, उसके अंदर यह अपील लगती है। जो मुख्य बात ध्यान रखने की है वो क्या है सर, इस अपील में हम ग्राउंड्स ऑफ अपील यूज करते हैं। उन ग्राउंड्स ऑफ अपील में हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए किसी केस में 2 लाख रुपए मेरे खाते में जमा हुए थे, वो कैश जमा हुए थे। मैंने इनकम टैक्स अधिकारी को बोला, साहब ये मेरे पास में कैश पड़ा था और मैं इसे बाद में खाते में जमा करा दिया। इनकम टैक्स अधिकारी मानने को तैयार नहीं, वो कहते, नहीं साहब ये आपके घोषित आय है, इसलिए मैं इसे 60% रेट पर टैक्स करता हूं। अब मैं अपील करना चाहता हूं, तो मैं अपील में लिखूंगा, अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड इन लॉ द एडिशन ऑफ ₹2 लाख मेड बाय लर्नेड असेसिंग ऑफिसर इन द असेसमेंट ऑर्डर इज इनवैलिड इन लॉ एंड देयरफॉर सेम इज रिक्वायर्ड टू बी क्वेश्चन। ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। तो इस प्रकार से सर और कई ग्राउंड्स जहां जहां हमें लगता है वो ग्राउंड क्रिएट किए जा सकते हैं। और मेरा ये कहना है सर, ये ग्राउंड मेनली दो तरीके से तैयार होते हैं। एक, टेक्निकल बेसिस पर। टेक्निकल बेसिस मींस लॉ का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है डिपार्टमेंट की साइड से, मुझे कोई नोटिस ही नहीं दिया गया, मुझे सुनवाई का प्रॉपर मौका नहीं दिया गया, मुझे जो नोटिस दिया गया वो इनवैलिड था, जो सर्विंग हुई किसी पर्टिकुलर नोटिस की वो इनवैलिड थी। ये तो हुए सर टेक्निकल ग्राउंड। और दूसरे हैं सर लॉफुल ग्राउंड। लॉफुल यानी जहां पर लॉ का उल्लंघन किया है मेरी ओपिनियन में और मैं लॉफुली उस चीज को चैलेंज करना चाहता हूं। जैसे मैं सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स में किसी री इन्वेस्टमेंट के कारण से एग्जम्पशन के लिए हकदार था, परंतु मुझे एग्जम्पशन नहीं दी गई। तो सर आपको ये दो आधार पर किसी भी असेसमेंट ऑर्डर को चेक करना है और उसके बेसिस पर अपील की प्रक्रिया में एंटर करना है। फिर सीआईटी अपील, जो कि एक अपीलेट अथॉरिटी है, आपको सुनेंगे। यदि आपकी बात से संतुष्ट हुए तो आपको फेवर कर सकते हैं, नहीं हुए तो आपकी बात को वो फेवर नहीं करें, आईटीओ की बात को मान लें, कोई बात नहीं सर। सेकंड स्टेज आईटीएटी है। एक बात और ध्यान रखने की है, यदि आप किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर लड़ रहे हैं, फैक्ट मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट किया या नहीं किया, तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर जो लड़ाई होती है उसके दो ही लेवल होते हैं, सीआईटी अपील और आईटीएटी। लेकिन जब आप किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर लड़ाई लड़ते हैं तो आईटीएटी के बाद आप फर्दर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को नहीं ले जा सकते सर, वहां केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही अपील हो सकती है। तो ये सर कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बेसिक सी केवल एलोबरेट करी है कि आप चिंता ना करें सर, यदि किसी असेसमेंट ऑर्डर में आपके अगेंस्ट में सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ या लॉफुल बात सुनी नहीं गई या उसको दरकिनार कर दिया या किसी जजमेंट को नहीं माना जो कि प्रिवेल कर रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में आप घबराएं ना।
आप डिपार्टमेंट खुद आपको कह रहा है आप अपील फाइल कर सकते हैं, आप उनके ऑर्डर में लिखे देखिए 156 के डिमांड नोटिस में लिखा है कि यदि आप सहमत नहीं है तो आप अपील करें, इस अधिकारी के समक्ष आप हमारे ऑर्डर के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। तो सर आपको ये जो अपीलेट रेमेडी का मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया है, मुझे लगता है ये आपको निश्चित रूप से एक संबल देगी उस परिस्थिति में जहां आपको लगता है कि आपके पास आपके साथ पूर्णतः न्याय नहीं किया गया है। आपकी यदि अपील से रिलेटेड कोई और क्वेरी होंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं उनका भी जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।